चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 12,000 से सस्ते में 40 इंच का स्मार्ट टीवी खरीदने का मिलेगा मौका। अमेजोन में चल रहा है समर वेकेशन सेल, आज से शुरू हो गया है सेल, 7 तारीख तक चलेगा ये ऑफर। CBSE 10वीं 12वीं का रिजल्ट 20 मई के बाद होगा जारी। CBSE बोर्ड के अधिकारी की वेबसाइट की तरफ से जारी हुआ गाइडलाइन, 20 तारीख के बाद छात्र देख सकेंगे अपना परिणाम। भारत से दुश्मनी मोल ले टूट गई मालदीव की कमर, फिर गिड़गिड़ाते जा रहे हैं मोइजो। सेंसेक्स में ऊपरी स्तर से 1217 अंकों का गिरावट, 73,800 स्तर पर पहुंचा बंद हुआ निफ्टी, 172 अंक का निफ्टी में आया गिरावट, शेयर बाजार में काफी ज्यादा हुआ मुनाफा वसूली। झारखंड के रांची में रोड शो में पहुंचे पीएम मोदी, देखने के लिए उमड़ गया भीड़, खचाखच भर गया भीड़, पुलिस द्वारा किया गया सभी लोगों को तैनात। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ छेड़खानी का मामला हुआ दर्ज, मामले में कोलकाता पुलिस की CST की जांच की आज से अभियान हो गया शुरू। कोविन सर्टिफिकेट से हटी पीएम मोदी की तस्वीर तो प्रकाश राज ने कसा तंज, बोले जल्दी हर सरकारी दफ्तर से भी हटेगा पीएम मोदी का फोटो। चुनाव प्रचार के बीच घायल हुए तेजस्वी यादव, कमर में लगी चोट सुरक्षाकर्मी ने सहारा देकर स्टेज से उतारा। देखते ही देखते फिर से आया बड़ा ऑर्डर, दिल्ली के स्कूल को फिर से बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस कमिश्नर के ईमेल पर आया है अनजान खत। हम किसी के बाप से नहीं डरते, 40 साल से हैदराबाद में कर रहे हैं राज, अमित शाह के रजाकर वाले बयान पर भड़के ओवैसी। वैक्सीन लगवाकर मुझसे भी हो गया बड़ी गलती, डिंपल यादव ने कहा भाजपा ने करोड़ों का चंदन लेकर लोगों की जान से किया खिलवाड़। कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद पुनीत राजकुमार को दिल का दौरा पड़ा, क्या कोरोना वैक्सीन से हुआ है इनका मौत, आएगा कुछ दिन के बाद इस पर बड़ा खुलासा। चिराग पासवान का अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण, लोगों ने किया अछूत बताया, 51 लीटर दूध से धुलाया प्रतिमा को। मैनपुर में दिखा बुलडोजर तो CM योगी पर भड़के अखिलेश यादव, कहा इनसे कई घरों को किया है तबाह, लोगों का लगेगा योगी को बद्दुआ। यूपी में अगर गोक्सी की तो खोल दूंगा जहन्नुम के द्वार, योगी आदित्यनाथ बोले सपा बसपा को देंगे तो गौ माता की हत्या का मिलेगा उनको हक। 4 मई तक घर में ना बुलाए रिश्तेदार, कहीं भी हो भेज दे, 26 गलियों की किया जाएगा बंदी। कानपुर में प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं रोड शो, जिस कारण से यहां पे रहेगा धारा 144 लागू। नए तरह का SMS स्कैम, मैसेज में आएगा खाते में आ गए हैं 10,000 रुपया और बुरी तरह फंसा कर लूट लिए जाएंगे आपसे पैसे। अगर आपके पास भी मैसेज आता है पैसा आ गया आपके खाते में तो अलर्ट हो जाइए, नहीं तो आपका खाता भी हो सकता है खाली। तैयार होकर आना, हम जमानत पर करेंगे सुनवाई, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ED से क्या क्या बोला सुप्रीम कोर्ट। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव, ऑनलाइन खरीदा है नामांकन पत्र। झारखंड के रांची में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा, 7 मई को होगा सोशल मीडिया में कैंपेन। मौन हूँ बस देखो जा रही हूँ, ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट मिलने पर छलका संगीता फोगाट का दर्द। कश्मीर की सक्सवगाम घाटी में चीन की नापाक हरकत, बना डाली सड़क, भारत हाथ पर हाथ बैठकर देखता रह गया। नामीबिया के लिए UPI की तरह पेमेंट सिस्टम बनाएगा NCPI, बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एग्रीमेंट, अफ्रीकी देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देगा इसका उद्देश्य। आज सोने की कीमत में गिरावट, चांदी महंगी हुई, सोना 71,610 रुपया प्रति पर आया, वही चांदी 80,119 रुपया प्रति किलोग्राम पर पहुंचा। राकेश सिंह पेटीएम मनी के बने CEO, पेटीएम ग्राहक के लिए खुशखबरी, कंपनी को प्रॉफिट में लाने वाले वरुण श्रीधर की जगह लेंगे, वित्त वर्ष 2023 में 42.8 करोड़ रुपया का हुआ था मुनाफा।
मसाला बनाने वाली सभी कंपनियों की फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन होगा। FSSAI कंपनी के प्रोडक्शन की सैंपलिंग और टेस्टिंग का भी दिया गया आदेश। नफरत फैलाने के बजाय अपनी सरकार के कामकाज पर वोट मांगे पीएम मोदी, खड़गे ने बीजेपी पर करारा किया हमला। जनता की आंखें हो गई हैं नम, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिलने पर बीजेपी पर भड़की प्रियंका चतुर्वेदी। यूपी में एक लड़के को सांप ने डसा, अंधविश्वास का लिया गया सहारा, इलाज के बजाय 2 दिन तक गंगा नदी में बांध कर रखा, बीकॉम स्टूडेंट का हुआ मृत्यु। वायरल वड़ा पाव गर्ल को पुलिस ने किया पहचान, पहनाया हथकड़ी, सलमान खान के शो बिग बॉस OTT पर आने वाली थी ये कंटेंट। मोबाइल पर अब दिखेगा कॉल करने वाले का नाम, ट्राई के निर्देश के अनुसार टेलीकॉम कंपनी लाने वाली है जस्ट इस तरह का नया कानून। अखिलेश यादव बोले खाकी वर्दी वाले भी गुस्साए दिखते हैं, बीजेपी सत्ते में आई तो नौकरी 3 साल की हो जाएगी। अगरतला में आज से नया नियम, 2 पहिया वाहन को 200 रुपया का तेल, 4 पहिया वाहन को 500 रुपया में मिलेगा पेट्रोल और डीजल, सरकार ने तय किया है आज से नया लिमिट। कोरोना वैक्सीन का साइड इफेक्ट पता चलते ही पीएम मोदी ने हटवा दिया वैक्सीन से अपना सर्टिफिकेट से फोटो, सर्टिफिकेट से पीएम मोदी ने तस्वीर हटाया और वायरल हो रहा यह खबर। अग्निवीर 4 साल में रिटायर, 75 साल के बूढ़े को चाहिए तीसरा मौका, मीसा भारती का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। कल जेल से बाहर आ जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सोमनाथ भारती का बड़ा दावा। कोविशील्ड के टीके से बेटियों की मौत, अब 2 भारतीय परिवार सीरम इंस्टीट्यूट पर करेगा मुकदमा। जहां रखी है EVM, आधे घंटे तक बंद रहे उस स्ट्रॉन्ग रूम के कैमरे, तमिलनाडु में मचा बवाल। कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा ऐलान, जिस बूथ पर कांग्रेस को 1 भी वोट नहीं मिलेगा दूंगा 25 लाख रुपया। आम आदमी पार्टी संजय सिंह का बड़ा दावा, बीजेपी को 52 करोड़ का मिला रिश्वत, वैक्सीन बनाने वाले शमशान लाशों से भरे थे पर वो बढ़ा रहे थे वैक्सीन का दाम, पीएम मोदी ने लिया वैक्सीन कंपनी से दलाली का पैसा। चारधाम यात्रा में जाने वालों के लिए खुशखबरी, केदारनाथ बद्रीनाथ धामों में 1 घंटा भक्तों को देना होगा दर्शन, टोकन सिस्टम का नया प्लान हुआ है आज से जारी। चाइना ने पाकिस्तान को दिया धमकी, बोला पहले चुकाओ 550 अरब रुपया बकाया तब करेंगे बात, दोस्त ने अपने ही दोस्त की उड़ा दी है नींद। अखिलेश और सपा के खिलाफ मुस्लिम गोलबंदी, बदायूं में बसपा को मिला जमात का समर्थन। सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, सिलेंडर का कीमत में कोई भी गिरावट नहीं हुआ है लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर कीमत में 20 रुपए तक का आया गिरावट। गो फर्स्ट के 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन हुआ कैंसल, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद DGCA ने किया है कार्यवाही, 1 साल से बंद है गो फर्स्ट की फ्लाइटें। अप्रैल में रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़ के GST कलेक्शन, सालाना आधार पर 12.4% का बढ़ोतरी, इससे पहले हाईएस्ट कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपया था।